इस वीडियो में हम बात करेंगे मसगांव डॉक और यहाँ पे बीडी एल यानी भारत डायनेमिक्स शेयर के बारे में। जहाँ पे अगर हम बात करें तो मसगांव डॉक शेयर में आज के दिन देखेंगे 9.87% का गिरावट और बीडीएल में 5.37% का गिरावट। मसगांव डॉक अपने हाई से देखेंगे काफ़ी नीचे है, 5800 से ऊपर का हाई लगा है, 4200 के ऊपर का आपको मिल रहा है। और बीडीएल यानी भारत डायनेमिक्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो 1700 से ऊपर का हाई लगाया है और 1000 के आसपास आपको मिल रहा है, 1057 पे। तो फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यूज़ क्या निकल के आते हुए दिख रहा है, गिरावट की वजह क्या है, सारी चीज़ें एक एक करके हम इसी वीडियो में, और कुछ यहाँ पे न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे मसगांव डॉक के बारे में, उसके बाद उससे पहले बात करते हैं मार्केट का व्यू आज का दिन क्या रहा। देखिए गिरावट के पीछे ये नई बात नहीं है कि गिरावट का कहीं ना कहीं वजह यहाँ पे केवल शेयर में न्यूज़ निकल के आया हो उसकी वजह से हो, ऐसा कोई यहाँ पे बात नहीं है। ओवरऑल पूरा मार्केट में आज के दिन प्रेशर यहाँ पे गिरावट का रहा और मार्केट जब तक यहाँ पे सुधरते हुए नज़र नहीं आता है, मतलब मार्केट थोड़ा सा हमें अपसाइड में नज़र नहीं आता है, थोड़ा अच्छा नज़र नहीं आता है, तब तक यहाँ पे रिकवरी हो पूरा शेयर में ऐसा चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। बिकॉज आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि पूरा मार्केट में केवल गिरावट देखने को मिल रहा है, किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक में गिरावट यहाँ पे नहीं है। अब बात करें यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्या न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है वो देख लेते हैं इसी मसगांव डॉक या फिर कह लो यहाँ पे बीडीएल के बारे में। तो ओवरऑल देखेंगे निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी और S&P BSE स्मॉल कैप। S&P BSE स्मॉल कैप में तो 2000 पॉइंट से भी ऊपर गिरावट है, 2100 पॉइंट से भी ऊपर गिरावट आप देख सकते हो, 3.81% गिरावट। ये आप देख सकते हो कितना मतलब बड़ा यहाँ पे गिरावट लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिलहाल बात करते हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, मसगांव डॉक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल ये एक न्यूज़ निकल के आया है मसगांव डॉक के ऊपर आज का ही न्यूज़ है कि मसगांव डॉक देखेंगे बोर्ड अप्रूव 1:2 स्टॉक स्प्लिट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1:2 का स्टॉक स्प्लिट यहाँ पे अप्रूव किया और डिक्लेयर किया 23.19 रुपीज़ का डिविडेंड। यहाँ पे आप देखेंगे चेक रिकॉर्ड डेट एंड अदर डिटेल्स आप देख सकते हो, मसगांव डॉक बोर्ड अप्रूव कह सकते हो 1:2 का स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर और 23.19 डिविडेंड, 23.19 रुपीज़ यानी 23 रुपये 19 पैसे का डिविडेंड। और चेक रिकॉर्ड डेट अगर हम बात करें, मसगांव डॉक अप्रूव है स्टॉक स्प्लिट 1:2 एंड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 23 रुपये 19 पैसे पर शेयर। और देखेंगे यहाँ पे द रिकॉर्ड डेट फॉर डिविडेंड सेट फॉर अक्टूबर 30, अक्टूबर 30 का कह सकते हो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट यहाँ पे सेट किया गया। एंड द स्टॉक हाउ एवर फेल 9.87% 4200 का अमिड मार्केट प्रेशर। मार्केट प्रेशर यहाँ पे अब मैं आपको एक ही लाइन में इस चीज़ को समझाऊँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि न्यूज़ में मेंशन किया गया, न्यूज़ कब का है, 3:51 का मार्केट क्लोज होने के बाद का ये न्यूज़ है। तो मार्केट प्रेशर की वजह से कह सकते हो कि शेयर में हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कि मार्केट का प्रेशर ही गिरावट में है, तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मार्केट में गिरावट नज़र आ रहा है हमें। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आगे बढ़ेंगे वीडियो में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया ये न्यूज़ का जो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि क्या अनाउंस हुआ और क्या रिकॉर्ड डेट क्या है और बाकी गिरावट का वजह क्या है, तो मार्केट का प्रेशर, मसगांव डॉक हो या फिर कोई भी स्टॉक हो। अब यहाँ पर किसी किसी स्टॉक में न्यूज़ भी निकल के आते हुए दिख रहा है। भारत डायनेमिक्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो भारत डायनेमिक्स की अगर हम देखें यहाँ पे तो कह सकते हो कि 5.37% का गिरावट यहाँ पे नज़र आया है हमें। और फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ऑलरेडी पिछले 5 दिन में 13% से ऊपर की गिरावट, पिछले 1 महीने में 9.09%, पिछले 6 महीने में तेज़ी है और पिछले मतलब केवल 2024 और पिछले 1 साल में आप देख सकते हो ऑल टाइम पे अगर देखा जाए यहाँ पे, या फिर पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो अपने टॉप से अभी करंट प्राइस तक मतलब 35-38% से ऊपर के गिरावट में नज़र आ रहा है हमें। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी न्यूज़ क्या है निकल क्या रहा है उसके ऊपर बात करें यहाँ पे, तो भारत डायनेमिक्स आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक डिक्लाइन 4% से ऊपर एंड अक्टूबर 22 रिफ्लेक्टिंग, आप देखेंगे ओवरऑल डाउन ट्रेंड आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑन अक्टूबर 22 आप देखेंगे यहाँ पे। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो अक्टूबर 22 भारत डायनेमिक्स एज ए लीडिंग डिफेंस कंपनी इन इंडिया सॉ ए डिक्लाइन इन इट्स स्टॉक प्राइस बाय 4.31%। द स्टॉक हैज़ बीन ए कंसेक्यूटिव फॉल फॉर द लास्ट 5 डेज विथ ए डिक्लाइन ऑफ देख सकते हो 10% से ऊपर का। इट इज़ करेंटली ट्रेडिंग बिलो इट्स मूविंग एवरेज एंड अंडर परफॉर्म द सेक्टर बाई 2.88%। तो ऑलरेडी यहाँ पे अंडर परफॉर्म यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है। बाकी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। बाकी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, इंडिकेटिंग ए डाउन ट्रेंड इन इट्स स्टॉक प्राइस आप देख सकते हो, ऑन द डे ऑफ अक्टूबर 22 द स्टॉक टच एंड इंट्राडे लो अब जो कुछ इतना का। तो
एंड डिक्रीज ऑफ कुछ इतना परसेंट। बायोडायनामिक्स इज करेंटली ट्रेडिंग बिलो इट्स 5 डे एंड 20 डे, 50 डे, 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेजेस, इंडिकेटिंग ए डाउन ट्रेड इन इट्स स्टॉक प्राइस। आप देख सकते हो, और जो भी कंपेरिजन वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी निकल के आते हुए दिख रहा है, और ये कुछ कह सकते हो कि न्यूज़ में यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन किया गया है अगर हम बात करें। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है बायोडायनामिक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो आप देख सकते हो कि रिसेंट अगर हम देखें यहाँ पे तो कंपनी का मतलब कर्ज कंपनी के ऊपर कितना है, तो 4,34,00,000 का कर्ज है अकॉर्डिंग टू टिकर फिनोलॉजी बायोडायनामिक्स में। अगर देख सकते हो आरओसी 17.99% का है, आरओसी 24.39%, और कैश कंपनी के पास कितना है 4,228.48 करोड़, 4,228 करोड़, 4,228 करोड़ और 48 लाख, इतना कैश है कंपनी के पास और इतना कंपनी के ऊपर कर्ज है। आप देखेंगे 4,34,00,000 का कंपनी के ऊपर कर्ज है और कैश कितना है आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू टिकर फिनोलॉजी। भारत डायनेमिक्स के ऊपर आज की अगर हम बात करें रिसेंट परफॉर्मेंस क्या रहा उसके बारे में, तो वो भी आप यहाँ पर देखेंगे रिसेंट परफॉर्मेंस। तो रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि 49.86% का डिलीवरी परसेंटेज आज के दिन शेयर में हमें देखने को मिला है, 49.86% डिलीवरी परसेंटेज, जो भी क्वांटिटी ट्रेड हुआ उसमें से आप देख सकते हो डिलीवरेबल क्वांटिटी इतना रहा, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी 49.86%। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे तो वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।